तो गाइस अभी क्रेंक जाल का हमारा सरिया टोटली कट चुका है और थोड़ा सा बचा है, इसमें 10-12 सरिया है। धूप में लगे हैं भाई लोग। और ये जो सामने दिख रही है ये है लोहे काटने वाली मशीन, इससे काटे जाते हैं सरिया और काटने के बाद इसको छत पे ले जाके लगाया जाता है। ये देख रहे लगा रहे हैं गाइस। और ये ढूंढने हैं देखो, तो अभी लगभग काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है गाइस। तो अभी नापेंगे उसके हिसाब से कटिंग होगी। लगभग हो चुका है सभी डन। चलो आज का यही दिन है और ये है फोटो खींचने को बोल रहा है। इसकी फोटो तो मैं खींचूंगा नहीं साले की। गाइस अभी हो गया मॉडलिंग का, ये शटरिंग, ये सॉरी क्रेंक जाल है जो ये बन चुका है। अभी इतना काम लगभग अभी आधा हो चुका है। अभी दोपहर के 1:15 हो गया, 1 बजने वाला है और एक क्रेंक जाल बन रहा है अभी। ये काफ़ी अच्छा बच चुका है देख सकते हैं आप। टाइप का क्रेंक जाल होता है, देखिए ये थोड़ा सा फोल्ड रहता है, पूरा लाइन से दिखा होगा ये। यार मॉडलिंग भी बहुत टूट रही है यार। जो इनकी बांधने की ट्रिक होती है वो काफी डिफरेंट होती है। ऐसे तार लेते हैं और ये ऐसे फंसा के वो बात है कि जो ट्रिक है मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। देख सकते हैं आप क्रेंक जाल वादा होता है, क्रेंक जाल ये है जो भैया बोले हैं ये काफ़ी अच्छा होता है इलेक्ट्रिक के लिए। देख सकते हैं काफ़ी भी अच्छा लग रहा है लुक, और ऐसे करके साइड से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिएगा इसे लगभग हो चुका क्रेंक जाल का। इसमें भैया ये जो सरिया यूज होती है बड़ी सरिया होती है ना, 4 फुट की ना। खाना लेके तो आए सुबह ये लोग। जाओ खाना खा जाके जाओ, तुम्हारे भाई तक सही ना है तो खाना लेके आओ। जाओ जाओ यार एक खा रोटी खा ले। चालू करो बेटा, चालू हो जाओ।
पानी वानी पियो, जाओ नीचे आप। चलो चलो तो गाइस लगभग अभी करंट जाल ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी थोड़ा सा बाकी है, भैया बना रहे हैं और अराउंड अभी दिन के 3 बजने ही वाले हैं और ये देखो ऐसे बना रहे हैं धूप में, और लगभग लगभग हो चुका है जो इनको मोड़ने का स्टाइल है, इनको करंट लगा देते हैं ऐसे मोड़ के उठाते हैं सरिया है। तो देख सकते हैं गाइस तो गाइस अभी लगभग ही सेटअप क्रैंक जाल का कंप्लीट हो चुका है और आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मिलते हैं।